यदि आप एक बेरोजगार इंसान हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, कम पूंजी है, 500 हजार रुपए है, 300 रुपए है, 400 रुपए है, और आप चाहते हैं कि मैं भी अपने घर पे रह करके क्या बिजनेस करूं, समझ नहीं आता है, बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या करूं, तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाए, बट पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मैं ऑलरेडी इस पे काम करके कमा रहा हूं या कमाता हूं, और बहुत से मेरे जैसे लोग हैं जो महीने का 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। यदि आप लोग भी चाहें तो महीने का 40,000, 50,000, लाखों रुपए भी आप घर बैठे कमा सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी अंग्रेजी आती है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए, ये जो फोन आप मैं दिखा रहा हूं, ये वाला फोन, ये मेरा पहला फोन है, जब मैं शुरुआत में जब मेरे पास यही फोन हुआ करते थे, कीपैड वाला। और ये दूसरा फोन जो देख रहे हैं, इसको मैंने 2016 में लिया था, ये मेरा दूसरा फोन है, लाइव कंपनी का है, जियो कंपनी का है। दोस्तों, इसी मोबाइल फोन से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत किया हूं। यदि आप लोग भी चाहें तो अपने जो मोबाइल फोन है, आपका जो फोन जेब में पड़ा है या फिर जिसमें आप वीडियो को देख रहे हैं, इस मोबाइल से अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हैं और आप भी घर बैठे बहुत ढेरों सारा पैसे कमा सकते हैं। ए टू जेड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, क्या बिजनेस है, क्या करना है, कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख करके समझाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है कि 300 रुपए में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 300-400 रुपए है तो आज ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ना दुकान खोलने की जरूरत है, ना मशीन कोई रखने की जरूरत है, घर बैठे आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सबकी डिमांड पे मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस है सभी लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए, इस वीडियोज को ध्यान से देखिएगा, एक लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्त, एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वंटी जो होती है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं ना तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और दिल मतलब खुश होता है कि चलो यार, हाँ जो हम कर रहे हैं, किसी न किसी का हेल्प हो रहा है, किसी न किसी सहायता कर रहे हैं, कोई ऐसे इंसान है जिसके पास सिर्फ एक उम्मीद है यार, बाकी पैसे तो है नहीं, माँ बाप ने उसको उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई तू कमा के ला, ये कर वो कर। और जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप रहेगा तो वो यही कहेगा अपने बेटे को कि जा तू कमा के ला। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लड़का बेचारा करे तो क्या करे, क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ये दुनिया इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाका है कि उसको इतने मतलब कि जो भी आपके मन में आइडियाज है, आपसे पहले बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, इस भीड़ में वो लड़का खो जाता है, चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाता, उसको लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपके जैसे पहले मैं भी था और मैं भी यही सोचता था कि यार मैं इस दुनिया में क्या करूंगा। दोस्तों, बहुत से लोग होंगे जो नए होंगे, जो मुझे नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जो ये चैनल देख रहे हैं, ये आरके टूल चैनल है, RKTULL। जब कभी भी आप गूगल में, यूट्यूब में लिखेंगे आरके टूल तो ये मेरा चैनल आएगा, और आप मेरे चैनल्स पे जाकर के ऐसे मैंने बहुत आइडियाज बता रखे हैं जो ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं और करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो हालांकि आज इस वीडियो में ये आरके टूल आपको बताएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास भी एक मोबाइल फोन है तो उससे अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, यहां मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो इस मोबाइल फोन से भी आप तीन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, जो पहला तरीका है ये YouTube, तो मैंने बताया है, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं। बहुत से लोग हैं यार, चैनल तो बना लिया है YouTube पे लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं कि किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसका ग्रो हो जाता है, और बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, लक का हाथ थोड़ा बहुत होता है, ज्यादातर ये होता है कि आप मेहनत कितना करते हैं। देखिए, मैं भी बहुत मेहनत करता हूं और मेरे से बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो मेरे साथ, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो पीछे के पीछे ही रह गए और मैं थोड़ा आगे निकल गया उनसे। क्या कारण था, वो कारण मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आप भी इस कॉम्पिटिशन में जूझ रहे हैं किसी के थ्रू, अगर आप भी चाहते हैं कि यार मैं भी कुछ करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहां पर बात आती है कि यूट्यूब को कैसे किया जाए, YouTube को फुल टाइम किया जाए या पार्ट टाइम किया जाए या इसके साथ कुछ और किया जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube को जो है ना पार्ट टाइम कीजिए। देखिए, कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको कीजिए, लेकिन उस छोड़िए मत, लेकिन उसके साथ साथ आप एक YouTube चैनल बनाइए। आप देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझा पाऊंगा मैं।
आधा अधूरा बात सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। YouTube को चैनल कैसे बनाते हैं इसके मैंने वीडियोज बना रखा है। इस वीडियोज को देखने के बाद, इसको छोड़ के मत जाइएगा, इसको देखने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने बताया कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, आप वहां जाकर के YouTube चैनल बनाना सीख सकते हैं। बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि YouTube चैनल बनाने से पहले, YouTube चैनल बनाने से पहले आपको थोड़ा सा डिसाइड करना होता है, अपने बारे में सर्च करना होता है। किस देखिए मेरे को कहने से या फिर मेरे को देख करके या किसी भी यूट्यूबर को देख करके आप चैनल मत बनाइएगा, कभी मत, कभी ये गलती मत कीजिएगा। आप पहले ये अपने अंदर तलाशिएगा कि मेरे अंदर क्या ऐसी हुनर है, नहीं हुनर है कोई बात नहीं, क्या ऐसा काम है जो मुझे आता है, चलो वो भी छोड़ो, वो भी पता नहीं है, क्या क्या ऐसा काम है जिसमें मेरा मन लगता है, अगर वो पैसे मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा तो कोई काम नहीं है कि जिसमें पैसे मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, मेरा तो हर काम में मन लग जाता है ये, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होगा जिसमें, जिसको करके आप पूरे मतलब मजे लेते होंगे यार, उसमें बड़ा मजा आता है उसको करके, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। किसी को देखिए, किसी को तैरने में, पानी में तैरता है उसको, उसमें मजा आता है, कोई पेड़ पे चढ़ता है उसमें मजा आता है, कोई झूला झूलता है उसमें मजा आता है, कोई गाना गाता है उसमें मजा आता है, हर किसी का। कोई देखिए जो गरीब से गरीब इंसान होगा ना वो फावड़ा चलाता होगा, कुदाल चलाता होगा, कुदाल जो फावड़ा जो होता है ना वो चलाता होगा, तो वो चलाता है तो उसको उसमें मजा आता है। कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बाइक साइकिल, कुछ भी ऐसा काम आप करते हैं जिसमें आपको मजा आता है, तो वो ये समझ लीजिए वो आपका पैशन है, वो आपका हुनर है, ऐसा मान के चलिए। अगर उसको देखिए, जब एक ऐसा इंसान है जिनको मैं अगर बोलूं तो आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हो आप, मैं कहता हूं MBA चाय वाले को आप जानते हैं, ये वो चाय बेचते थे, उनका हुनर था, ऐसा बोल सकते हैं कि उनको उसमें मजा आता था, लोगों को चाय पिलाने में, लोगों को खुशियां बांटने में, लोगों से बातें करने में, लोगों को खिलाने में, पिलाने में, चाय पिलाने में उनको इंटरेस्ट था। हालांकि वो इतने अमीर घर से हैं कि अगर वो चाहे तो यार वो काम क्यों करेंगे, लेकिन फिर भी उनको उस काम में मजा आता था। वैसे हम लोगों के साथ होता है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग भी ऐसे कुछ हमारे पास हुनर होना चाहिए या होता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो आज से आपको ये थोड़ा सा सर्च करना होता है अपने ऊपर, थोड़ा देखिए अपने ऊपर, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में ग्रो नहीं होंगे। देखिए कि मेरा मन किस चीज में लग रहा है, क्या मैं ऐसा है जो कर सकता हूं, या फिर मेरे को किस चीज में मजा आ रहा है, कौन सा काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये थोड़ा सर्च कीजिए। जब हम अपने आप को सर्च करते हैं, आईने के सामने देखते हैं और सोचते हैं यार राजेश, मैं जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं देखूंगा अपने शीशे के सामने तो मैं कहूंगा राजेश यार तू इसीलिए बना है, तू इस काम में मास्टर है तू, और इसको अगर चाहे कर करके तू आगे हो सकता है। ऐसे देखिए जो मेरा अंदर हुनर है ना, तो मैं उसको ऐसे कहूंगा शीशे के सामने जाकर के, तो शीशा मतलब नजर, आप अपनी नजरों से जब उस शीशे में देखते हैं ना तो आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार तू यही है और तू इसी लायक है और तू ये कर सकता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा पागलपन वाला, इसको लोग पागलपन वाला ही हरकत कहते हैं, तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको महसूस होगा कि आप किस लिए बने हैं और क्या आपका बेटर है और क्या मतलब आप कर सकते हैं। मेरा अनुभव ये है, मैं अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये तलाश लीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से झाड़ लीजिएगा, निचोड़ लीजिएगा कि आप किस लिए बने हैं और क्या काम आपको करने में मजा आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज के लिए बने हो वही काम कर रहे हो सकता है कि आपका काम अगल दूसरा हो, क्योंकि यार देखो गरीबी होती है ना तो वो क्या हमसे करा लेती है गरीबी, मतलब कौन सा ऐसा गंदा से गंदा काम होगा ना वो भी हमसे करा लेगी और हमें करना ही पड़ेगा। हम ये समझ के करेंगे यार कि ये हमारा मतलब अगर नहीं करेंगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगी। गरीब घर के जो बच्चे होते हैं या गरीब घर से जो बिलोंग करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ना चाहते हुए वो काम करना पड़ता है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले अपने आप के ऊपर ये बता रहा हूं सर्चिंग कीजिए कि आप किस लिए बने हैं। अगर ये आपको डिसाइड मतलब क्लियर हो गया कि हाँ मैं इसलिए बना हूं, तो उसके बाद से आप एक YouTube चैनल बनाइए। YouTube चैनल बिल्कुल फ्री बनता है, बिल्कुल फ्री बनता है, जीरो लागत, मतलब कुछ भी खर्चा नहीं, जीरो, ठीक है। इसमें आप YouTube चैनल बना करके कैसे बनाते हैं मैं बता दिया हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के आप लास्ट में देख लीजिएगा और देख करके चैनल बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए जो भी जैसे आप मैंने बताया था शुरू में, नहाते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए बढ़िया से बढ़िया। आपको तैरना आता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, 100 में एक आधी लोग होते हैं जो तैरना जानते हैं, सैकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं आता,
ऐसे ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिसको तैरना नहीं आता है, और जिसको नहीं आता है ना, वो जा करके देखता है उन लोगों को, तो उसको लगता है यार ये कैसे पानी पे रह जा रहे हैं, कैसे पानी के साथ बह जा रहे हैं, यार क्या हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जाएंगे मतलब ट्राई करने के लिए, तो वो डूब जाएंगे, वो डूब के मर भी सकते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं है, लेकिन वो देख खड़े खड़े। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्राई ही नहीं करेंगे, क्योंकि अरे यार अगर मैं डूब गया तो, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं नहीं निकला तो। बहुत से लोग हैं जो मरते दम तक भी वो ट्राई नहीं करेंगे। और जो ट्राई करने वाला है तो उसके मन में उद्वेगना जागेगा यार, और वो सोचेगा कि हाँ यार ये कैसे तैरते हैं। तो यदि आपको तैरना आता है, मैं एग्जांपल दिया हूं, अगर आपको तैरना आता है तो अपने तैरने की जो कला है वो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, किसी को रखवा करके, कोई दोस्त को रखवा करके आपने वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, देखो पानी में तैरने का पहला स्टेप क्या है। और आप अपना जो पूरे डिस्क्लेमर के साथ लिखिएगा कि आप ऐसा ट्राई किसी के नजर में कीजिएगा, किसी के कोई ऐसे व्यक्ति के साथ कीजिएगा जो पहले से ऑलरेडी एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख करके आप जो है तैरना शुरू कर दीजिएगा, ऐसी बात नहीं। और जो अच्छे इंसान होंगे, जो समझदार होंगे, वो ऐसा तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने हुनर को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये तैरना वाला एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा रिस्की काम है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। यदि आपको बाइक चलाना आता है, आपको ट्रैक्टर चलाना आता है, आपको कार चलाना आता है, जो भी आपका हुनर है, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को सिखा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ट्रैक्टर का पहले स्टेप क्या होता है, क्या क्या बेसिक नॉलेज होती है जो आपको एक ड्राइवर को जानना जरूरी होता है। तो ये सब जो भी है ना, आप एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जब आप सिखाएंगे तो लोग सीखने वाले भी बहुत हैं। जैसे सिखाने वाले की संख्या कम है, वैसे सीखने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर एक कोई सिखा रहा है तो सैकड़ों लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, और आपके जैसे हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए हर काम हर किसी को आता नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे सब कुछ आता है तो समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। मेरा मानना है कि हर चीज कैसे पता हो सकता है यार, पूरी इतिहास, पूरी दुनिया का इतिहास कैसे पता हो सकता है, नहीं हो सकता ना। उसमें से कुछ बातें, कुछ परसेंट, कुछ से भी कुछ परसेंट पता होता है। और आदमी कहता है कि मुझे सब पता है, जबकि रियल में उसको सब तो कुछ पता ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने हुनर को जो है पहले तलाश लीजिए, तलाश करके यूट्यूब चैनल बना करके उस पर आप लोगों को सिखाइए, या आप सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, ये सिलसिला भी होता है। जो आपको, आप कहेंगे मेरे पास हुनर नहीं है, तो अगर हुनर नहीं है तो आप हुनर को पहले सीख लीजिए। करने से पहले, जैसे मुझे ये पढ़ाना नहीं आता था पहले, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक टीचर हैं या फिर नई टीचर हैं, सोच रहे हैं कि मैं चलो पढ़ा सकता हूं, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले सीख लीजिए कि कैसे पढ़ाते हैं। वो कैसे होगा? ये सोचने से नहीं होगा, वो करने से होगा। प्रैक्टिकल ऐसे बनाइए बोर्ड, बच्चे चार पांच दस बच्चों को बुला करके उसको पढ़ाना शुरू कीजिए। पहले कह जो भी आपको आता है, आप पहले आदत डालेंगे ना कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ा सकते हैं तो आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ा करके पैसे कमाते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बीएड नहीं किए हैं, कोई मास्टरी कोर्स नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। उनको 12वीं तक आता है पढ़ाई, 10वीं तक आता है पढ़ाई, लेकिन अपने से जो कम बच्चे वाले हैं, जो 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, या फिर अगर आपने कोई कोर्स किया है और 10 साल 8 का क्लास 8 का क्लास आपने अच्छे तरीके से गणित हिंदी अंग्रेजी आती है, उनको आप ट्रेन करते हैं, उनको आप सिखा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे काम है यार, यूट्यूब पे कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बट वो जेन्युइन होना चाहिए, जो ईमानदारी से होना चाहिए, और लोगों को कुछ मैसेज देने वाला हो। ऐसा नहीं कि लोगों को नुकसान करने वाला हो, लोगों को हानि करने वाला, वो चीज आप मत बताइएगा। आप वो बताइएगा जो लोग सीखना चाहते हैं, या फिर जो लोगों के बारे में पता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि कभी भी बिजनेस कीजिएगा, देखिए ये भी एक बिजनेस है, यूट्यूब एक बिजनेस है, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये भी एक बिजनेस है, क्योंकि इस पे भी प्रचार आता है। जो अर्निंग होती है वो प्रचार से होती है। जैसे मान लीजिए इस पे क्या चाहिए आपको, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और क्या चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। अब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम करने में बहुत से लोग हैं जो 1 साल लगा देते हैं, 2 साल लगा देते हैं, और बहुत से लोग हैं जो 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम करते हैं। 1000 सब्सक्राइबर क्या होता है? 1000 सब्सक्राइबर का मतलब ये है 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जैसे इस चैनल को मेरे को तो देख रहे हैं आरके टूल, इस आरके टूल चैनल के नीचे आप देखिए 350-360 के ऐसे आपको कुछ दिख रहा हो। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियोस कब देख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इतना है, आगे जब तक ये देखेंगे कब देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सब्सक्राइबर है ना वो नीचे काउंट होता है। के का मतलब क्या होता है? जैसे 1K मतलब 1000, 2K 2000, 3K
3000 ऐसे होता है। तो 360 के लिखा है तो 360,000, ठीक है। तो ऐसे सब्सक्राइबर आपको चाहिए 1K, मतलब 1000, 1000 लोग यदि आपको सब्सक्राइब किए हैं तो इसमें जो नीचे आपका लिखेगा काउंट 1000 यानी 1K, तो 1K यानी आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो। अब ये 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या होता है? 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते और कहते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या है। देखिए, आपकी वीडियो यदि 5 मिनट की है, मैं यहां पे लिखता हूं 5 मिनट की यदि आपकी वीडियो है, उसमें से कोई जैसे इतनी बड़ी वीडियो है और यहां पे आपको कोई आधा वीडियो आपको देख रहा है, यहां से यहां तक देखा, इतना नहीं देखा, यानी ढाई मिनट आपकी वीडियोस को देखा, तो अगर सौ लोगों ने देखा तो 250 मिनट हो गया, 250 मिनट हो गया ना, तो 250 मिनट ऐसे करके 4000 घंटे, यानी कि अगर 4000 घंटे, यानी कि 4000 घंटे की बात करें तो 1 घंटे 60 का होता है, तो अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2,40,000 मिनट होता है, 2,40,000 मिनट। ऐसे अब मान के चलिए आप लोग कि अगर 5 मिनट की आपकी वीडियो है कोई 2.5 मिनट तक देख रहा है, तो ऐसे करके कितने लोग देखेंगे कि 2,40,000 मिनट जो है आपका पूरा हो गया। बस इतना ही चाहिए, और ये एक वीडियो से नहीं चाहिए, आप रोज वीडियो अपलोड करते हैं, रोज वीडियो अगर 30 दिन में 30 वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये सभी वीडियोज का 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 100-100 मिनट, 500-500 मिनट, सभी वीडियोज का मिला करके आपको 4000 घंटे चाहिए। ये बहुत आसान है, आपको नए है तो आपको लगेगा कि यार इतना तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मैं कहता हूं आज के डेट में मेरा एक दिन में हो जाता है 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर एक दिन में हो जाता है, एक दिन में। तो मुझे भी करने में टाइम लगा था, जब मैंने शुरुआत किया था, जब मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं कैसे ग्रो हुआ, क्योंकि आप लोग तो बस ये सोचते हैं यार कि ये ग्रो हो गया है तो अपना बकवास यहाँ पे पेल रहा है कि भाई ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं कि जब मेरे पास कुछ समझ नहीं आता था, वैसे मेरे 2 बेटे हैं मैं आपको बता दूं, और दोनों बेटे ठीक 4 साल का है और एक 2 साल के, 2 साल से थोड़ा कम का है, ठीक है। तो जब घर पे बच्चे हो गए थे, मैं DTH का मैकेनिक भी हूं, मैं DTH का भी काम करता था उस वक्त, तो मैं सोच रहा था कि यार मैं यूट्यूब पे क्या सिखाऊं, डिश के बारे में सिखाऊं या मोटिवेशनल वीडियोज बनाऊं, क्या करूं मैं, तो ऐसे मेरे को समय नहीं आता था। मैं अलग अलग पहले बिजनेस का भी ट्राई कर रहा था साथ साथ में, तो मैंने बिजनेस का ट्राई किया तो वो चल गया था, एक किया, बहुत से किया जो नहीं चला, तो इससे मुझे अनुभव हो गया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, मुझे लोगों को क्या बताना चाहिए, किस चीज के बारे में मुझे एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। तो मैंने क्या किया, ये जो मोबाइल फोन आप देख रहे हैं 2016 में मैंने लिया था, इस मोबाइल फोन जियो लाइव कंपनी का फोन है, ठीक है। तो इस फोन को मैं लेके खेतों में जाता था और खेतों में ले जाकर के ऐसे मोबाइल को ऐसे पकड़ के बोलता था, हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके2 चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये 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 ये। मैं पूरी 2 मिनट का 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाता था और बना करके उसको अपलोड करता था, किस पे, अपने चैनल पे, इस आरके2 चैनल पे जो आप देख रहे हैं। मेरा और भी चैनल है बट मैं एक चैनल के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। इस आरके2 चैनल को बनाने में मुझे कम से कम 1 साल लगे हैं, 1 साल लगे हैं मुझे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे को पूरा करने। अब सोचिए उस वक्त, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई ये समझाने वाला नहीं था, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती थी तो मैं किसके पास जाऊंगा। अगर आपको मिस्टेक हो जाता है तो आज तो मैं आपके साथ हूं, या फिर मेरे जैसे बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो आपको बताने वाले हैं। लेकिन उस वक्त 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मुझे बताने वाला कोई नहीं था, और जो भी लोग थे तो वो बड़े दूर दूर के थे, मैं उनको जानता पहचानता भी नहीं था। आपको पता ही है कि इस मोबाइल फोन की दुनिया में कौन किसको जानता है, जब तक वो ना मिले, जब तक कोई उसका लिंक ना मिले, तो ऐसा ही मेरे साथ भी था। तो मैं खेतों में वीडियोज बनाना शुरू कर देता था और क्लेम आता था, कॉपीराइट आदि स्ट्राइक आती थी, तो मैं घबराता था, फिर भी उसको लगा रहता था पूरा, मतलब रातों दिन में लगा रहा था। मुझे ये था कि मुझे किसी भी हाल में मुझे ये करना है, क्योंकि एक वीडियो को मैंने देखा था, उस वीडियो को मनोज दे ने बनाया था, मनोज दे आप लोग जानते होंगे, मनोज दे झारखंड के रहने वाले हैं, तो वो मेरे से कम उम्र का बच्चा है, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा यार ये मेरे से कम उम्र का बच्चा है और वो जो इतना महीने का लाखों 2 लाख रुपए महीने कमाता है, कैसे कमा लेता है, है ना। और मैंने उसको देख के काफी मोटिवेशन हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। एक अंदर से एक ना खून खौला, मेरे खून खौल गया कि नहीं ये कर सकता है जो दिखने में मेरे से भी मतलब ऐसा इंसान है यार कि कैसे ये कर ले रहा है, जो मेरे से जैसे दिखता है, मेरे से भी गया गुजरा इंसान है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मेरे से एज में कम है, तो ये कैसे कर ले रहा है यार, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अंदर ना एक जोश जागा,
और उस जोक को जोश को जो ना मैं पकड़ के रखा और आज तक वो जोश गया नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो वही अब देखिए लोगों को परवाह मत कीजिएगा। जब आप वीडियोज बनाना शुरू करेंगे तो लोग आपको आएंगे निगेटिव करेंगे, लोग आपको आपके दोस्त भी आपकी रिलाई करेंगे, कहेंगे कि चला है वीडियोज बनाने, बहुत बनाए और बहुत फैलिया गया और बहुत ये करके क्या हो। आपके घर वाले भी निगेटिव हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी निगेटिव हो सकते हैं। मैं किसी की परवाह नहीं, मैं कहा जिसको बोलना है जो बोले। आप जानते हैं जो गांव में घास छीलने वाले लोग होते हैं, जो खेतों में जाकर के घास छीलते हैं, जनानियां होती हैं, वो जब मैं खेतों में जाकर के वीडियो बनाता था तो लोग मेरे पे हंसते थे। पेड़ को पेड़ पे जो ना इसी मोबाइल फोन को मैं पेड़ पे ऐसे टिका करके रख देता था और रख करके बोलता था हेलो दोस्तों नमस्कार, और सामने जो लोग घास छीलते थे, अगल बगल घास छीलते थे, वो आकर के कहते थे मेरे को कि ये देखो वीडियो बना रहा है, अब ये पैसा कमाएगा, हाँ अब जिंदगी इसका खराब है, ये देखो ये दो बच्चों का बाप है लेकिन यहाँ पे मरवा रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बोलते थे कि अब क्या हम आपको बताए, इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सहता गया, मैं कहा कि चलो यार भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है, आज ये लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो, लेकिन कल तो मैं जानता हूं यार, मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जो मेरे से भी गया गुजरा इंसान है, मेरे से भी कम एज में है, मेरे से भी हाइट में नहीं है, मतलब बुद्धि में भी नहीं है, मेरे से संपन्न भी नहीं है, गरीब फैमिली का है, उसके पापा साइकिल का रिपेयरिंग करते हैं, साइकिल की दुकान है, वैसे लड़के जो, और मैं तो फिर भी ठीक हूं, मैं अरे ठीक हूं यार, क्योंकि मुझे डीटीएच का मैकेनिक हूं, मैं काम करता हूं, डेली 500-600 रुपए कमाता हूं, तो मैं तो ठीक ही हूं यार, लेकिन फिर भी एक झिझक थी। मैं कहा यार ये कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा, तो उस ये जो मोटिवेशन है ना वहां से मुझे ये सब मिलता था, और मिल करके कितने भी लोग निगेटिव करते थे तो मैं लगा रहता था, मैं करता रहता था। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि आप भी पीछे मत हटिएगा, लगे रहिएगा, डटे रहिएगा, आज तो आपके सामने सब कुछ उपलब्ध है। मैंने YouTube के बारे में कोर्स मैंने बना दिया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस की सच्चाई वाली कोर्स मैंने बना दिया है, ईबुक लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दूंगा, आप चाहे तो 312 रुपए का वो प्राइस मैंने रखा है, 312 रुपए का मैंने निचोड़ रखा है, जिसमें आप YouTube को कैसे चैनल ग्रो करते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे आपकी वीडियो वायरल होती है, किस किस स्ट्रगल से जो है मैंने ये YouTube को जर्नी को स्टार्ट करके खत्म किया था, कैसे लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं, ये सब कुछ मैंने उस ईबुक में लिख दिया है, बिल्कुल सच्चाई वाली, किसी को कॉपी करके नहीं, यार मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिखा है, इतने सालों का मैंने निचोड़ उसमें लिखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूं, उसका नाम मैंने रखा है कि ना नौकरी ना पैसा क्या करें, है ना, अमेज़न पे उपलब्ध है, अमेज़न पे भी लिखेंगे ना नौकरी ना पैसा आरके टूल, तो वो हो सकता है कि वो बुक जो है आपके सामने शो करे, आप उसको डाउनलोड मतलब खरीदेंगे तो 312 रुपए लगेगा। खरीदने के लिए आपका क्या चाहिए, आपका जो डेबिट कार्ड है, जो कार्ड है एटीएम कार्ड है, उसका नंबर वगैरह मांग, जैसे ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वैसे उसको आप खरीद करके और पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया YouTube के बारे में। YouTube 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा करने के बाद आपको जो है पैसे देना शुरू करेगा, आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और खाते में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। कैसे क्या आएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा मैं एक ऐसे मतलब प्रैक्टिकल उसमें मोबाइल में करके आपको दिखा करके वीडियोस बना दूंगा, अगर यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस, जो दूसरा बिजनेस है इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये भी आप 400-500 रुपए हैं आपके पास तो आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस जो है ये है ब्लॉगिंग का। अब बहुत से लोग हैं जो इसको सुन के भागेंगे, कहेंगे ब्लॉगिंग का ये तो हमें पता है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि इसी में ही होने वाला है, क्योंकि जिसमें आपको लगता है कि इसमें नहीं होगा उसी में ही होता है, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। देखिए करना क्या, इसमें कुछ करना नहीं है। आप गूगल में लिखते हैं कि हेल्थ को फिट कैसे रखें, जब आप गूगल में लिखते हैं तो आपके सामने क्या आता है, अलग अलग वेबसाइटें आती हैं, अलग अलग उसमें लिखे हुए वर्ड आते हैं, ये करें ये करें ये करें ये करें, आप किसी एक पेज जिस पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है जो क्लिक बैट होता है या फिर जिसमें टाइटल आपको समझ आ जाता है तो उसमें आप क्लिक करके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी ब्लॉगिंग करना है। कैसे, देखिए ब्लॉगिंग कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ सबकी कमाई प्रचार से होती है, सबकी कमाई एडसेंस से होती है। एडसेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपना एक वेबसाइट बनाइए, है ना, अकाउंट बनाइए और उसको आप डेली ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, डेली लिखिए, हर जिस टॉपिक में मैंने आपको बताया था नॉलेज है उस टॉपिक पे आपकी पकड़ है उस पर आप अपना ब्लॉगिंग लिखना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे देखिए YouTube से ज्यादा पैसा इस ब्लॉगिंग में है, लेकिन
अब ये है कि कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, कंपटीशन यूट्यूब में भी है, कंपटीशन ब्लॉगिंग में भी है, कंपटीशन हर फील्ड में है, लेकिन एक चीज रहता है, ये सब बिजनेस है। ये बिजनेस करके आप घर बैठे कमाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से, कुछ नहीं है। ये जो आप बहुत से लोग होंगे जो मकान ये देख रहे होंगे, कह रहे होंगे तो तुम अपना खुद अपनी हालत खराब कर लो, अरे मेरी हालत नहीं खराब करनी है, मैं तो पहले से मेरा हालत ठीक हो चुका है, मैं ये दो मंजिले पे आया हूँ और यहाँ पे काम चल रहा है, काम चल के अभी मतलब फिनिशिंग नहीं हुआ है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि आज बैठ करके बढ़िया से आपको समझाते हैं यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, और अलग अलग नॉलेज के बारे में जो ऑनलाइन आप घर बैठे कमा सकते हैं, लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं कम पूंजी में। अब कहेंगे बहुत से लोग 300 रुपए, आप बार बार बोले 300 रुपए में क्या करूं, मैं कहता हूं कि 300 रुपए का आपका रिचार्ज खर्चा है हर महीने का। इस मोबाइल फोन में जो 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, 200 का रिचार्ज कराते हैं, 200 का तो खैर होता नहीं है, लेकिन अभी 259 या 239 या 300 ऐसे करके एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया है ना, किसी कंपनी का भी सिम लिए हैं तो इसमें आप रिचार्ज करवाते हैं, 300-400 के आसपास होता है, तो आप रिचार्ज करवा करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं ना, या फिर कुछ और देखते होंगे, ठीक है, आप कुछ और पे कहीं और मत जाइएगा, कुछ और नॉलेज लेते होंगे, बट उससे पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये काम करेंगे ना, काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे आप कमा सकते हैं, तो ब्लॉगिंग, यूट्यूब। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक चैनल बनाया, और चैनल बना करके, यहां पे मैं लिख देता हूं, चैनल बना करके आपने क्या किया कि थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर हो गए, माना कि आपका मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं आपका प्रचार से कमाई नहीं होती है, तो आपने थोड़े ऑडियंस बना लिए, 1000-2000 आपने ऑडियंस बना लिए, और आपकी ऐसे ऑडियंस हैं जो मतलब डेली आपको वॉच करते हैं, डेली देखते हैं, तो अलग अलग दुकानों की जो है जाए आकर के आप वीडियोस बना सकते हैं, दुकान वाले लोग ढूंढते हैं कि मेरा ये सामान है, जैसे मान लो ये पेन है जिस कंपनी भी बनाया हो, तो ये सोचेंगे ना यार कि पेन ये कैसे लोगों के पास मैं बेचूं, तो आपके पास ऑडियंस है 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 500 लोगों का, तो वो आपको ढूंढेंगे और आपको कहेंगे कि मैं आपको 1000-2000 रुपए देता हूं, जरा मेरा इस पेन का प्रचार कर दीजिए, तो आप ये ऑडियंस बनाए रहेंगे, तो उस ऑडियंस को लेकर के किसी दुकान पे जाएंगे, अभी ऑडियंस कहाँ रहेंगे, आपके मोबाइल फोन में, आपके चैनल में, और ये चैनल से ही आप जाएंगे लोग मतलब लोग प्रचार करेंगे तो लोग देखेंगे इस चैनल से ही, ठीक है। जैसे मैं इसका पेन का प्रचार कर रहा हूँ कि हाँ ये पेन है, ये बहुत अच्छा पेन है, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, इसको खरीदना चाहते हैं, तो ये इसका एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। इतनी बातें मुझे 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट जितनी भी टाइम लगे इसको बताना है, तो मेरे ऑडियंस अगर इसको खरीदते हैं, और देखिए उसमें ध्यान रखना होता है कि पता नहीं कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गलत चीज भी बोलेंगे, प्रमोट कर दीजिए, गुटखे का, दारू का, ऐसे ऐसे नशे वाले नशे पदार्थ का, तो आप उसका प्रमोट नहीं करना है, आपको सही चीज जो किसी को गुमराह ना करे, किसी को नुकसान ना करे, किसी को ऐसे घाटे में ना डाले, तो ऐसा चीज को आप प्रमोट बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आज तक अब किया नहीं हूं और ना ही मैं कभी करूंगा जिससे कि आपका मेरे ऑडियंस का नुकसान हो। देखिए ये वीडियोज मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाता हूं, मैं अपने दम पे बनाता हूं, ना कि किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी कंपनी को लेकर। हाँ, वैसे जब मुझे कुछ दिखता है या फिर दिखेगा तो मैं आने वाले समय में उसकी वीडियोज बनाऊंगा जो लोगों को हेल्प करे, लोगों को सच में बेरोजगारी से दूर करे, बिजनेस में लाए, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा तभी मैं करूंगा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता हूं, मुझे महसूस नहीं होता, मैं पूरे तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं उसका प्रमोट नहीं करता हूं, भले वो कितना भी मुझे पैसे दे। मेरे पास ऑफर आते हैं 50,000 ले लीजिए, 30,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए एक वीडियो का, लेकिन मैं नहीं करता हूं क्योंकि मैं ऑडियंस को गुमराह नहीं करना चाहता। मेरे भरोसे पे आज 3 लाख लोगों का परिवार है और मुझे लगता है कि ये सभी लोगों ने यार मेरा बहुत साथ दिया। मैं जो भी हूँ, जो भी आज कमाता हूँ, सब ये उन लोगों की वजह से है, तो मैं उनको गलत चीजें दिखा करके, गलत चीज प्रमोट करके उनको मैं गुमराह नहीं करना चाहता, उनको मैं नुकसान नहीं करना चाहता। आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा, भले ही आपको कोई कितना भी पैसा दे। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या करना है, क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और YouTube के बारे में मैंने कोर्स बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सीख जाइएगा और एक यूट्यूबर बन जाइएगा, ठीक है। और बाकी कुछ और भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।